कैथल के सन होटल में दिवंगत प्रेम जैन और बीएस जैन की पुण्यतिथि पर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक लीलाराम गुर्जर थे। इस मौके पर जैन शिक्षा समिति की संचालक श्रीमती प्रज्ञा पाशा जैन ने कैथल के सभी पत्रकारों को एक वर्ष का 5-5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराया। विधायक लीलाराम गुर्जर ने इस मौके पर लोकतांत्रिक समाज में पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित किया। आइए सुनते हैं। और आज मैं मंच के माध्यम से श्रीमती प्रज्ञा जैन जी का, उनके परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ कि उन्होंने आज के शुभ दिन पर जो राष्ट्र के, मैं कहूंगा प्रजातंत्र के असली पहरारी हैं, पहरेदार हैं, उस समाज को अपने बीच में बुला करके जो मान सम्मान सम्मानित शब्द से सम्मानित करने का काम किया है, उसके लिए बहन जी आपका और आपके परिवार का, आपके खानदान का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आम उसमें कह देते हैं कि जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंच गए कवि, और मैं ये कहना चाहता हूं जहां कवि भी नहीं पहुंचता वहां पर पत्रकार साथी पहुंचते हैं, इसलिए रवि कवि से भी आगे का दर्जा पत्रकार साथियों को अगर समाज दे तो कोई बड़ी बात नहीं। साथियों, आप टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से देखते हैं, टीवी पर विशेषकर लाइव जब देखते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शेख साहब टीवी पर जब चलता है अरब कंट्री में, चाहे वो सीरिया का है, चाहे लेबनान की है, चाहे इराक और ईरान, और चाहे अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान का, जब लाइव लड़ाई चलती है जो सैटेलाइट से दिखाई जाती है, तो उसमें पत्रकार साथी फौजियों के साथ दौड़ते दिखाई देते हैं। ईमानदारी से कहूंगा कि वहां पर शायद किसी फौजी का भी दलेरी हिम्मत साथ छोड़ देती है। वहां पर देखने वाली बात होती है कि पत्रकार साथी किस प्रकार चारों तरफ से गोलियां बरस रही है और ऊपर से हवाई फायर हवाई जहाज से हो रहे हैं, फिर भी पत्रकार साथी हौसला नहीं छोड़ते। फोटो जब लोकसभा पर अटैक हुआ, उस पर जिस प्रकार बीएसएफ के जवानों की लाशें गिर रही थी, गोलियां लग रही थी, तो उस समय भी पत्रकार साथी अपने कैमरे के साथ, उन फौजियों के साथ, बीएसएफ के जवानों के साथ इस चक्कर में घूम रहे थे कि मेरे को फोटो मिले, कोई अच्छी फोटो मिले, मैं कहीं से इस प्रकार की क्लिप लूं कि जिसे लोग देख करके कहीं मेरी पत्रकार ने वास्तव में कमाल कर दिया, और वास्तव में आप कमाल करते भी हो, इसलिए आप और पूरे विश्व के अंदर अनेक प्रकार की सरकारें चलती है, कहीं राजा का राज है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं राजतंत्र है, परंतु हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और उस प्रजातंत्र में प्रजातंत्र की रखवाली, प्रजातंत्र के प्रहरी सबसे बड़ा अगर कोई है, मैं तो दिल से ये बात कहूंगा, ना फौज है ना प्रदीप जी पुलिस है, अगर है तो वो पत्रकार साथी है। प्रजातंत्र को बचाने के लिए वो पत्रकार साथी करते हैं, वो कोई नहीं करता। इसलिए मैं पुनः ज्यादा बात न करते हुए आज इस मंच के माध्यम से पत्रकार साथियों के लिए, जैसे नवीन जी मल्होत्रा कह रहे थे हमारी कोई डिमांड है, नवीन जी मैं तो आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए ना कोई विधायक ना कोई नेता, किसी का बड़ा भाई किसी का छोटा भाई, अगर आप सारे साथी ये भी कहेंगे ना हमारे साथ सीएम पे चल, आपके साथ सीएम साहब पर जाकर के भी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, सीएम साहब से भी लड़ने के लिए नरेश जी तैयार हूँ, तो आप साथ चलने वाले बने। और मुझे इस बात पर भी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं भाई साहब के साथ मिलकर के, हमारे उपायुक्त महोदय के साथ मिलकर के, और आपके साथ से, आपके सहयोग से, आपके सहयोग के बिना भी कुछ नहीं, आप भी हवा खराब करते थोड़ी सी देर में, तो भी मैं कहूंगा कि अगर हम दोनों भाई मिलकर के, प्रशासन मिलकर के, और आप साथियों के सहयोग से जो भी हम कैथल के लिए अच्छा काम कर सके, वो हमारे लिए एक, मैं कहूंगा कोई हमारी जिंदगी की कोई उपलब्धि। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।